आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल तेरे आने से आने वाले अदाकारों की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में। एक बार फिर कोमल मीर और मुनीब भाटी इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी इनकी हैरान कन जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा हीरा समरो की। हीरा समरो टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। ये आजकल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम की बहन बनी हुई है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी अनवर खान के साथ हुई थी 2015 में। अब इनकी फैमिली में इनकी एक खूबसूरत बेटी है जिनकी पिक्चर देख रहे हैं। अब बात करते हैं महमूद असलम की। महमूद असलम का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। इन्हें ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल बुलबुले में मिली है। अब इस ड्रामे में एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी नौशीन खान के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनकी दो खूबसूरत बेटियां हैं और अपनी बेटियों के पिक्चर भी शेयर करते हैं। अब बात करते हैं सद्दफ एहसान की। सद्दफ एहसान का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। ये आजकल ड्रामा सीरियल समझौता में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही है। ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी एहसान खान के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनकी दो बेटियां और इनका एक बेटा है। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा सिद्रा नियाजी की। सिद्रा नियाजी भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। ये भी ड्रामा सीरियल समझौता में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही है और शानजे का किरदार निभा रही है। इस ड्रामे में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आएगी। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल ज़िंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकार मुनीब भट्ट की। मुनीब भट्ट का नाम भी टॉप एक्टर में शामिल होता है। ये भी इस ड्रामे में अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी मशहूर अदाकारा ऐमन खान के साथ हुई थी। ऐमन खान मीनाल खान की जुड़वा बहन है। अब इनकी फैमिली में इनकी एक खूबसूरत बेटी है। इनकी बेटी का नाम अमल मुनीब है जो मुनीब भट्ट की फरमाइश पर ही रखा गया था। अब बात करते हैं जैन अफजल की। जैन अफजल भी टॉप एक्टर और मॉडल है। ये भी इस ड्रामे में एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनके अहलिया ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करते और अपनी बीवी की पिक्चर शेयर करते हैं। जो आप देख रहे हैं, आप भी इस कपल को पसंद करते हैं तो दिल से लाइक करें। अब बात करते हैं नन्ही सी गुड़िया आयत आरिफ की। आयत आरिफ भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। इन्होंने अपनी शोबिस का आवाज़ दीवानगी ड्रामा से किया था। फिर इनका फतूर ड्रामा सियानी ड्रामे में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आई थी। इनकी एज सिर्फ 7 साल है। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकार आदि खान की। आदि खान और समी खान भी इस ड्रामे में एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे और इन दोनों भाइयों को बहुत ही पसंद किया जाता है। आदि खान अभी तक सिंगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इनकी एज तकरीबन 21 साल है। इनकी फैमिली में इनकी वालदा और अपनी वालदा की पिक्चर शेयर करते हैं जो आप लंबे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा कोमल मीर की। कोमल मीर भी टॉप एक्ट्रेस और मॉडल है। आजकल ये ड्रामा सीरियल कलंदर में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही है और दोरे अदन का किरदार निभा रही है। अब इस ड्रामे में भी एक्टिंग करते हुए नज़र आएगी। ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इनकी एज तकरीबन 22 साल है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन अदाकारों में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद Hold me close till I get up. Time is barely on our side.